तो इसी बीच बड़ी खबर चरखी दादरी से, जहां पर 12,000 लीटर नकली डीजल बरामद किया गया। तो चरखी दादरी से 12,000 लीटर नकली डीजल जो है वो बरामद किया गया। तो सीएम फ्लाइंग ने पेट्रोल पंप के टैंकर में जाकर, आपको बता दें कि टीम में खुफिया विभाग और सीआईए दादरी भी शामिल है। आज सुबह 3 बजे की यह कार्रवाई है। आपको बता दें मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है और साथ ही अधिकारियों ने तेल के सैंपल भी लिए हैं। तो आपको बता दें चरखी दादरी से यह मामला सामने आया है, 12,000 लीटर नकली डीजल जो है वो बरामद किया गया है। सीएम फ्लाइंग ने पेट्रोल पंप के टैंकर में तेल डालते वक्त उन्हें पकड़ा और टीम में खुफिया विभाग और सीआईए दादरी भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि आज सुबह 3 बजे की यह कार्रवाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रदीप साहू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है आपके पास खबर को लेकर? देखिए सिनम, जो चरखी दादरी शहर से निकलते ही दिल्ली रोड पर एक पेट्रोल पंप है और सीएम फ्लाइंग और सीआईए उपचार विभाग और फूड सप्लाई विभाग की टीम को सूचना मिली थी, गुप्त सूचना की नकली डीजल तेल यहां पे उतारा जाना है। इस मामले को लेकर संयुक्त जो टीम है सुबह करीब 3 बजे उन्होंने छापामार कार्रवाई की है जी। इस दौरान करीब टैंकर में 12,000 लीटर नकली डीजल तेल मिला जो कि पेट्रोल पंप के टैंक में डालने की जो तैयारी की जा रही थी। हालांकि टीम ने मौके पर पहुंचकर टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया और कुछ सैंपल भी लिए हैं और फिलहाल पुलिस द्वारा इस संबंध में ट्रक जो डीजल का जो टैंकर है उसका अपने कब्जे में लिया है और सदर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है जी। तो अगर आगामी कार्रवाई की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ आगामी कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो इनके दस्तावेज थे वो दस्तावेज भी लिए गए हैं जो टैंकर के, और पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज करने की तैयारी जो चल रही है, कार्रवाई भी फिलहाल जारी है। सदर थाना पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर रही है जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चरखी दादरी में ये नकली डीजल का ये मामला सामने आया है, 12,000 लीटर नकली डीजल बरामद किया गया।